हेलो इंडिया, मैं हूं मुक्ता। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं सूजी आलू का एक नया नाश्ता, जिसे आप ब्रेकफास्ट में सवेरे बना सकते हैं या फिर आप इसे शाम के समय टी टाइम स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगता है और बनाने में भी आसान है और कम से कम सामान के साथ बनकर तैयार हो जाता है। इस रेसिपी को ट्राई करके देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। गैस पर एक बर्तन रखें और उसमें 1 कप पानी डाल दें और अब इसमें डाल दें 1 टेबल स्पून ऑयल। और जब पानी में उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी। 1 कप पानी में 1 कप सूजी काफी होता है। उसके बाद आप इसको चम्मच से चला दें और ढक्कन लगाकर इस गैस बंद कर दें और इसे 5 मिनट तक ऐसे ही रेस्ट करने दें। जब तक हमारी सूजी फूलती है तब तक हम इसके लिए मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने 3 उबले हुए आलू। इस आलू को ग्रेटर से ग्रेट कर लें या फिर आप इसको मैशर से भी मैश कर सकते हैं। और यहाँ पर अब लिया है मैंने 3 हरी मिर्च, 5 लहसुन और थोड़ा सा धनिया पत्ता। इन तीनों को हमें क्रश कर लेना है या फिर आप इसका पेस्ट बना सकते हैं तो पेस्ट बना लीजिए या फिर आप इसे खलबट्टे में कूट लें और उसके बाद आप इसको आलू में मिला दें। यहाँ पर लिया एक मीडियम साइज का प्याज, जिसे मैंने बारीक काट लिया है और उसे भी आलू में डाल देंगे। और यहाँ पर 2 अलग से हरी मिर्चें मैंने बारीक काट लिए हैं, उसे भी डाल दूंगी। 2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला। कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और उसके बाद चम्मच से इसको मिला देंगे। तो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल चुकी है और इसको भी चम्मच से अच्छे से मैश कर लेना है। अब इस सूजी को आलू के मसाले में डाल देंगे। सूजी हल्की गर्म है, अब हम इसको हाथों से मिलाते हुए इसका डो बना लेंगे। सारे मसाले, आलू और सूजी को अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब इसको हाथ से मिलाते हुए चिकना करते हुए इसका डो बनाना है। तो ये आलू के मसाले और सूजी आपस में अच्छे से मिल चुके हैं, लेकिन ये हाथों में थोड़ा सा चिपक रहा है तो हम हाथ में थोड़ा सा 1 चम्मच तेल लगा लेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से इसको मैश कर देंगे। हाथों में तेल लगाने से चिपकेगा नहीं। तो ये जो डो है बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसके रिंग्स बनाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटी कटोरी मैंने तेल ले लिया है और एक बड़े थाली भी रख ली है। तो सबसे पहले हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लें, उसके बाद सूजी आलू के डो में से थोड़ा सा हिस्सा हाथों में लेकर इसे गोल बॉल बना लें। अब इसे हाथों से चपटा करें और उसके बाद हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसके बीच में आप एक होल कर दें। देखने में ये मेदू वड़े की तरह लगेगा लेकिन ये मेदू वड़ा नहीं है, ये सूजी आलू के रिंग्स हैं। खाने में टेस्टी बहुत लगते हैं, आप बनाकर एक बार जरूर देखें। इस आकार में अगर हम इसको बनाएंगे तो अंदर तक अच्छे से सिक जाएगा और कच्चा नहीं रहेगा, इस कारण मैंने इसे इस शेप में बनाया है।
इसी प्रकार से आप छोटा सा हिस्सा और लेकर इसे गोल बॉल बना लें और उसके बाद आप इसको चपटा करके बीच में इसका होल दे दें और मेदू वड़े के साइज का सारे आलू और सूजी के रिंग्स बनाकर तैयार कर लें। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिए हैं। तेल एक बार जब गरम हो जाएगा तो आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दें। तो गर्म तेल में हम सभी रिंग्स को डालते जाएंगे। गैस की फ्लेम को आपको लो नहीं रखना है और ना ही एकदम से हाई रखना है कि ये जल जाए। लो रखेंगे तो आपके जो रिंग्स हैं ये ठीक से सिकेंगे नहीं बल्कि फट जाएंगे, इसलिए गैस की फ्लेम को लो मत रखें। गैस की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसको तभी हम पलटेंगे जब ये नीचे से थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, थोड़ा सा सिक जाएगा, या फिर ये तेल में ऊपर तैरने लगे तब आप इसको पलटें। अगर ये सिका नहीं रहेगा पलट देंगे तो भी हमारे जो सूजी के रिंग से वो फट जाएंगे, इसलिए आप इसको पहले चम्मच से नहीं टच करें, इसको थोड़ा सा सीखने दें। उसके बाद हम इसको दोनों तरफ से पलट पलट कर ब्राउन होने तक, सुनहरा लाल होने तक सेक लेंगे। जब ये सुनहरा लाल हो जाएगा तब हम इसे एक चम्मच से छान कर निकाल देंगे। इयररिंग्स जल्दी तो बन जाते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो इसे दूसरे प्रकार के शेप में भी बना सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप उस शेप में इसको बनाकर फ्राई कर सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही अधिक गर्म होना चाहिए, और गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। दोनों तरफ से सुनहरा लाल होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। सूजी और आलू के रिंग्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे टमाटो केचप के साथ खा सकते हैं या हरे धनिया चटनी के साथ खा सकते हैं। चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगता है। बनाकर देखें, अगर आपको पसंद आता है तो रेसिपी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अच्छी अच्छी रेसिपी को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपको एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।